तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में रिफ्लक्स एक्शन एंड रिफ्लक्स आर्क भी देखा। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे द सेंस ऑर्गन्स। सो विच आर द सेंस ऑर्गन्स? दैट इज ईयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन। दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स विच गिव्स द सेंस टू द ह्यूमन बींग्स। सो दीज आर द ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरमेंट एंड कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी एनवायरमेंट में चेंज होता है वो डिटेक्ट करके इन्फॉर्म करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। नाउ फर्स्ट सेंस ऑर्गन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज ए आई। देयर आर टू आईज लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, राइट। ऑर्बिट में जो है, स्कल का जो ऑर्बिट है, इसमें दोनों आईज लोकेटेड रहते हैं। द एडल्ट ह्यूमन आईबॉल इज नियरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, पूरा राउंडेड रहता है। आईबॉल हैज थ्री लेयर्स, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। तो स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना, ऐसे तीन लेयर्स आईबॉल में हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ स्क्लेरा। कोरोइड पोर्शन इज दिस वन। ये जो रेटिना जो दिख रहा है, रेड वन, वो है रेड जो दिख रहा है वो है रेटिना, और उसके नीचे कौन सा पोर्शन है? कोरोइड। तो ये तीन लेयर्स हैं आई में। नेक्स्ट, नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है? द एक्सटर्नल लेयर फॉर्म ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दिस पोर्शन बिसाइड द प्यूपिल देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। दिस पोर्शन विच इज फिल्ड विद द वॉटरी फ्लूइड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्निया। अंडरस्टूड? Now you can see here, this one is the sclera, this one is the cornea portion, this is the lens which is situated in the pupil, we can say. The retina portion which detect the light, this is the blind spot. ये जो blind spot रहता है यहाँ पे कोई reflection नहीं होता है, क्योंकि यहाँ nerves present है और यहाँ से optic nerves जा रही है brain की तरफ, है ना। तो दिस इज द स्क्लेरा पोर्शन। नाउ सेकेंड वन इज द कोरोइड, राइट। यू कैन सी हियर, यहां पे आप देख सकते हो कोरोइड। तो ब्लूइश मिडल लेयर दैट इज ए कोरोइड। यहां पे आपको एश लाइक दिख रही है, लेकिन ये जो है ब्लूइश है। कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स। अब ये जो रेटिना है ऊपर का रेड वाला, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आता है इमेज का, वो ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई करती है ना। तो इसका फंक्शनिंग के लिए ब्लड वेसल्स रहती है कोरोइड में। इट इज थिन ओवर पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आईबॉल, बट इट इज थिक एट द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। अब यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन में वो थिन है, बट आप यहाँ पे और यहाँ पे देखो सिलियरी बॉडी फॉर्म किया है। दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज द पोस्टीरियर, पीछे वाला पोर्शन। एंटीरियर मीन्स सामने वाला पोर्शन। तो यहाँ पे इन्होंने सिलियरी बॉडी फॉर्म किया है, क्योंकि ये लेंसेस से जो भी जाता है उसका सिग्नल देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे सिलियरी बॉडी फॉर्म ये है, वो कनेक्टेड रहती है। उसके बाद में सीलियरी जो बॉडी है, इट कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म ए पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज आयरिस। ये जो सीलियरी बॉडी है,
ये कंटिन्यूस होके पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, दैट इज आयरिस. यू कैन सी हियर, दिस इज आयरिस एंड दिस वन इज द प्यूपिल, राइट. द आयरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड एज प्यूपिल. द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ द आयरिस. तो ये जो डायमीटर है, इसका साइज जो है प्यूपिल का, वो कम ज्यादा होते रहता है. अगर ज्यादा लाइट है तो ये डायलेट होते हैं, और कम लाइट है तो ये छोटे हो जाते हैं. तो अब आईबॉल कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, राइट. तो आईबॉल जो है उसमें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है. यू कैन सी हियर, इट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय द लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी. ये जो लिगामेंट्स बताए गए हैं, ये सिलियरी बॉडी को अटैच रहते हैं और ये लेंस को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं. यहां तक समझ में आया आपको? बताओ जल्दी. यस सर. ओके. नाउ थर्ड पोर्शन विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रेटिना. सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. Retina is the inner layer, right? And it also consists of three layers of cells, from inner to the outer. That is a ganglion cells. ये inner है. उसके बाद में middle में bipolar cells and photoreceptor cells. You can see here in the image. These are the ganglions. Neuronal nerves के जो ganglions है वो है. उसके बाद में यहाँ पे bipolar cells है. That is the middle layer. And the outer layer consists of cones and rods. This structure is cone and this structure is a rod. You can see here, that is the outer portion, fibrous ligamentous structure, that is a scala. उसके बाद में choroid structure है, और यहाँ पे है photoreceptor cells, उसके बाद में bipolar cells and ganglion cells. Inner, middle and outer layer. The photoreceptor cells are of two types. अभी मैंने जैसे बताया आपको, one is the rod type and second one is the cones type. ये question जो है NEET में पूछा गया है, rods and cones का. They contain photosynthetic proteins. उसको बोलते हैं photopigments. तो ये जो photoreceptor cells है, उनमें फोटो पिगमेंट्स रहते हैं. एंड दीज आर फोटो सेंसिटिव, मीन्स लाइट के लिए सेंसिटिव है ये, राइट. तो ये पिगमेंट है, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले. फोटो पिगमेंट्स आर फॉर्म ऑफ ऑप्सिन, दैट इज अ प्रोटीन, एंड द रेटिनल, दैट इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए. ये जो विटामिन ए है, इसका अल्डिहाइड है रेटिनल, राइट. रेटिना, रेटिनल. तो ये फोटो पिगमेंट्स ऑप्सिन और रेटिनल से बने हैं, राइट. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस आ सकता है. समझ में आया ना आपको? दिन में तो कवर कर लेता है, लेकिन नाइट में नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट विजन उसका चला जा सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी. तो आंखों को अगर अच्छा रखना है आपको, तो विटामिन ए का सप्लीमेंट आपके खाने में बहुत जरूरी है. यहां तक ये बात समझी आपको, ये तीनों लेयर रेटिना की? यस नो बोलो. सबको समझ में आया? स्नेहा, श्रुति का? यस सर. Yes, sir. Oh, yes, sir. This is a simple. So it consists of three layers, right? Ganglion cell, bipolar cell, and photoreceptor cell. ये भी question जो है इस बार पूछने की संभावना बनती है. ये पूछा नहीं गया है. Inner layer जो है retina, सबसे inner layer कौन सी रहती है retina? इसमें NEET में question आया था, है ना? और lens पे भी question आया था.
तो ये जो रेड पोर्शन है ऐसा ऑलमोस्ट समझ लो कि इस पे क्वेश्चन आके है. नाउ मूव फर्दर. अब जो है हमने देखा था यहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर या आउटर लेयर है उसमें कौन से है, कोन एंड रॉड सेल्स, राइट. कोन और रॉड सेल जो है उसमें से कोन सेल्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है डे लाइट विजन एंड कलर विजन देता है. ये कोन सेल्स का फंक्शन क्या है, डे लाइट विजन एंड कलर विजन प्रोवाइड करता है हमको. दैट इज फोटोपिक विजन भी बोलते हैं इसको, राइट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स कंटेनिंग फोटोपिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड टू द रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स, है ना. तो ये जो कोन सेल्स है इसमें रेड ग्रीन और ब्लू लाइट्स के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए फोटो पिगमेंट्स रहते हैं. दिस वन इज द आउटर सेगमेंट, दिस वन इज द इनर सेगमेंट एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट दैट इज कनेक्टेड टू द व्हाट वी कैन से न्यूरॉन्स. द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट. अब अलग अलग कलर का जो कॉम्बिनेशन है उनका सेंसेशन ये तीनों पिगमेंट्स मिला के देते हैं आईज को, राइट. सो दिस इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द कोन सेल्स. अंडरस्टूड. व्हेन द कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड. अगर ये कोन सेल के ये तीनों पिगमेंट अगर इक्वली क्या करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो व्हाइट कलर हमको दिखता है. नाउ द रॉड सेल्स हियर फंक्शन दैट इज ट्विलाइट और स्कोटोपिक विजन. दे कंटेन्स ए पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड एज रोडोप्सिन दैट इज अ विजुअल प्रोटीन एंड इट कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. तो ये जो रॉड शेप है इनमें डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है. अंडरस्टूड. पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड एज रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल भी बोला जाता है इसको. तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा ये नीट में पूछा गया है. रॉड सेल्स जो है उनमें कौन से पिगमेंट्स है, दैट इज अ पर्पलिश रेड रोडोप्सिन, राइट, एंड ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. अब देखो यहां पे लिखा है नाइट ब्लाइंडनेस द आई डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है बॉडी में तो रात को दिखेगा नहीं बरोबर. स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल. पोस्टीरियर पोल किसे बोलते हैं, पिछला, है ना. देयर इज अ रीजन वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट. हियर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट. इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. ये जो स्पॉट है यहाँ पे कैसा है, फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, इधर पोर्शन में है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें क्या है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स की एंट्री करने के लिए वहां पे रहता है. तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, ऑप्टिक मीन्स क्या, आंखों से निकलने वाले, है ना. तो ये जो हम लाइट एब्सॉर्ब होंगे या जो भी हम देखते हैं उसका ब्रेन को सेंसेशन जाना चाहिए ना. तो ये है ऑप्टिक नर्व्स. ये पूरी ये ऑप्टिक नर्व्स जहां से एंटर बाहर निकलती है और ब्लड वेसल्स जहां पे एंटर होती है, दैट स्पॉट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. अंडरस्टूड. ब्लाइंड स्पॉट किसे बोलते हैं, बताओ. काजल, निधि, प्रांजलि, प्रथमेश, आवाज नहीं आया बराबर, रिस्पॉन्ड करो. जहां पे आय में एक पोर्शन है जहां से नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती है और ब्लड वेसल्स एंटर करती है,
वो जो स्पॉट है इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि यहां से कुछ दिखाई देने में मदद नहीं होती। ये बात समझे क्या प्रांजलि, रेशमा? यस सर। समझ में आया देवेश? यस सर। ओके, नाउ लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे ब्लाइंड स्पॉट है उसके बाजू में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड एज मैकुला लुटिया। अब ये जो येलोइश पिगमेंट स्पॉट है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज अ मैकुला लुटिया येलो स्पॉट विद द सेंट्रल प्रिंट, उसको बोलते हैं फेविया, फोविया, राइट। तो ये किसके बाजू में है? ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में। अब ये फोविया जो है, इट इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स एंड डेंसली पैक्ड, राइट। तो यहां पे सिर्फ कोन सेल्स है, ये फेविया जो है सेंट्रल पिट जो जिसे बोला गया है, यहां पे सिर्फ क्या है, कोन सेल्स है। इट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी, दैट इज अ रिजोल्यूशन। यहां पे सबसे ज्यादा विजुअल एक्टिविटी होती है। फेविया का क्या यूज है, यहां पे सबसे ज्यादा विजुअल एक्टिविटी होती है या रिजोल्यूशन मिलता है, इसीलिए इस स्पॉट को, येलोइश पिगमेंट को मैक्यूला लुटिया, यार येलो स्पॉट को क्या बोला गया है, मैक्यूला लुटिया, राइट, विद द सेंट्रल पिट दैट इज फोविया। तो दिस इज अ मैक्यूला लुटिया दैट इज अ सेंट्रल पिट, राइट। तो फोविया जो है यहां पे क्या रहता है, कौन सेल्स है ज्यादा, और ये मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी यहां पे होती है। ये बात समझ में आई? सो व्हाट आर द एक्वायर्स एंड विटरस ह्यूमर्स। अब जो आईज का पोर्शन है, लेंस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस इज द कॉर्निया, यू कैन सी दिस वन इज द आयरिस पोर्शन, राइट, एंड दिस इज द एक्वायर्स ह्यूमर, द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, दैट इज द एक्वायर्स ह्यूमर। अब देखो द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एज एक्वायर्स चेम्बर, इट कंटेन्स एक्वायर्स ह्यूमर थीन वॉटरी फ्लूइड। ह्यूमर जो है दैट इज अ वॉटरी फ्लूइड, एक्वायर्स तो पता ही है आपको, एक्वायर्स द फ्लूइड जो है उसको, एक्वायर्स फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ह्यूमर बोलते हैं, राइट। नाउ द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, दिस इज द लेंस, है ना, और दिस वन इज द रेटिना। ये जो रेटिना है इसके और इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज अ विट्रस ह्यूमर, this one is the aqueous humor and this one is the vitreous humor, contains a transparent gel, isme kya hai, gel hai aur isme aqueous hai, watery fluid. So aqueous aur vitreous humor kya hai ye aapko samajh mein aa gaya hoga. Now the mechanism of the vision, aapko koi bhi cheez kaise dikhti hai. अब लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमको कब दिख रहा है, जब उस पर लाइट गिर रहा है, अंधेरे में रहा तो दिखता है क्या, नहीं, है ना। एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉर्निया है और ये लेंस से क्या हो रहा है, रेटिना तक जा रहा है लाइट सीधा, राइट। इट फोकसेस ऑन रेटिना, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, दीज आर द प्रोटीन्स। ये क्या है, ये जो रेटिनल प्रोटीन्स है यहां से डिसोसिएट होता है, उसके वजह से चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, रेटिनल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी चेंज होती है। और परमेबिलिटी पता है ना आपको, आपने कब पढ़ा था इसको, न्यूरॉन्स में पढ़ा था, है ना, पोटेंशियल जो है जनरेट करता है, दैट इज अ परमेबिलिटी, जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट इज अ इंपल्स,
इन फोटोरिसेप्टर सेल्स और रॉड्स ऑन कोन्स। यहां तक समझ में आया आपको? देखो कॉर्निया और लेंस से लाइट जा रहा है रेटिना, रेटिना पे यहाँ पे फोकस हो रहा है, लाइट का डिस्पर्शन डिसोसिएशन हो रहा है। लाइट डिस्पर्स होने के बाद क्या होगा, इस रेटिना के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज करेगा। चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और वो एक्शन पोटेंशियल नर्व्स क्या करते हैं, खींच लेते हैं और वो जाता है ब्रेन की तरफ। तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये चीज है करके, है ना। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है रॉड्स एंड कोन्स जो सेल्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रॉड्स एंड कोन्स पे लाइट गिरने के बाद वहां पे जनरेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है गैंग्लियन जो सेल्स है और बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स है, ये क्या करेंगे, इंपल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन, है ना। तो गैंग्लियन सेल्स देखे थे अपने इनर लेयर पे थे, तो वो नर्व्स को इंपल्सेस प्रोवाइड करते हैं और ऑप्टिक नर्व से जो बीच से निकलती है, दिस वन इज द ऑप्टिक नर्व, यहां से ब्रेन में जाता है ना। इंपल्सेस आर एनालाइज एंड इमेज इज रिकग्नाइज based on earlier memory and experience and finally you got the vision of that thing। आप कोई एनिमल देख रहे हैं, डस्टर देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, तो ये इस तरह से फास्ट सब चीजें होती है। आप देखते हैं तो देखे बराबर तुरंत आपकी मेमोरी में पता चलता है ना। तो कितना इंपल्स फास्ट है, आप एक सेकंड में आप चांद भी देख सकते हैं, सूरज भी देख सकते। So this is the mechanism of vision। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। As such it is very simple। Yes अक्षय, अक्षय अक्षय यस सर, समझ में आया ना? हाँ सर। ओके नाउ दिस वन इज द पोर्शन ऑफ ईयर, राइट। ये इमेज तो हो गई है हमें। नाउ सेकंड सेंस ऑर्गन इज द ईयर, स्टेटो एकोस्टिक ऑर्गन, राइट। सेकंड ऑर्गन इज ईयर, ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। आई में किसी को प्रॉब्लम नहीं आया ना, समझ में आया सबको? सो नाउ वी आर मूविंग टू द ईयर, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। इट हैज थ्री डिविजन्स, द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। दिस इज द पिन्ना ऑफ ईयर, दैट इज आउटर और एक्सटर्नल ईयर। दिस पोर्शन इज द मिडल ईयर एंड This is the inner ear। देख लो बराबर डायग्राम, इट इज गिवन इन योर बुक also, पेज नंबर 325। नाउ द एक्सटर्नल ईयर, विल सी द एक्सटर्नल ईयर फर्स्ट, कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, दैट इज ईयर लोब, राइट, एंड ऑडिटरी meters, that is ear canal, this one, यहां से यहां तक जो canal है, that is a auditory meters। At the opening of the ear canal, hairs are seen, यहां पे जो opening पे small hairs दिखते हैं। Ear canal contains ceruminous glands, modified sebaceous gland, they secrete the wax, curemen, सॉरी सेरुमेन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वैक्स भी सीक्रेट होता है, कान में देखते हैं ना, वो दोनों आवश्यक है। किस लिए? इट प्रोवाइड्स द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड इंसेक्ट्स, राइट। वैक्सेस और हेयर जो है ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री, दैट इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड द इंसेक्ट्स, राइट।
डस्ट पार्टिकल हो गए या इंसेक्ट्स हो गए छोटे, इनको प्रोहिबिट करते हैं दिस हेयर एंड मैक्सेस। ये समझ में आया आपको? द ईयर कैनल कंटेन्स सेरुमिनस ग्लैंड, राइट, दैट सिक्रीट द सेरुमेन, सेरुमिनस ग्लैंड दैट सिक्रीट द सेरुमेन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पिन्ना तो सभी को याद रहेगा, ऑडिटरी मीटस दैट इज ईयर कैनल, ये ऑडिटरी मीटस है, दिस इज द एक्सटर्नल कैनल वी कैन से। अब जो ये एक्सटर्नल ईयर कैनल है, इट एंड्स इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टिम्पेनम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम। यू कैन सी हियर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, राइट, हम उसको पर्दा बोलते हैं मराठी हिंदी में, कान का जो पर्दा है दैट इज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। द आउटर सरफेस जो है वो स्किनी है और इनर जो सरफेस है दैट इज म्यूकस। सो दिस इज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। अंडरस्टूड? इट कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनिक कैविटी, जो ईयर ड्रम बोला गया है, दिस इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनिक कैविटी, ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, राइट, इसमें ही स्टेपस, मेलस और इनकस और मेलस, ये तीन टाइप के बोन हैं, स्टेप्स, इनकस एंड मेलस, these are the three types of bones are there, right? Tympanic cavity is air filled space that separates the external and inner ear portion, and auditory tube, eustachian canal is there, auditory tube that is a eustachian canal is there, connects middle ear to the pharynx, it maintains the equal pressure on the either side of the eardrum। dekho यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस इज द मिडल ईयर विच कंसिस्ट ऑफ ईयर ड्रम, यहाँ पे ड्रम है, यहां से सेंसेशन आते हैं, मेलस वाइब्रेट होता है, उसके बाद में इनकस वाइब्रेट होता है, और स्टेप्स के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉकलिया में ये सिग्नल्स पहुंचाता है। देखो मैकेनिज्म क्या है, बाहर से आपको सुनाई दिया, मिडल ईयर में ईयर ड्रम पे वो वॉइस गिरा, ये वाइब्रेट होता है मेलस, इसके वजह से हमको एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं ना वो समझ में आता है। तो मेलस, इनकस और स्टेप्स, ऐसे तीन बोन हैं ईयर के। तो ये जो बोन है, ये देखिए आप कि ये वाइब्रेट होने के बाद, ये ड्रम से साउंड लेने के बाद ये वाइब्रेट होते, वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे वाइब्रेशन आता है, वो पास होता है इधर कॉकलियर नर्व्स की तरफ, और ये कॉकलियर नर्व्स से फिर जाता है हमारे ब्रेन में। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज अ मिडल ईयर, एंड देयर इज अ ऑडिटरी ट्यूब व्हिच गोज टू द फेरिंग्स, राइट, इसके वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो दोनों साइड में प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। अंडरस्टूड? मिडल ईयर में किसी को प्रॉब्लम? प्रथमेश, रेशमा, ऋतुजा? नो सर। ऋतिका, स्नेहा बेटा? नो सर। सही में समझ आया कि बस यस यस बोल रहे? क्या सुंदरम? सुंदरम? हाँ सर। सही में समझा ना? नहीं समझाऊंगा तो फिर से हम देख सकते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, सिर्फ क्या है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद इसको। पूजा सर क्लियर है? व्हाट? क्लियर है समझा? क्लियर है, क्लियर है, गुड।
So there are ear ossicles also present, include the three small bones, namely malleus, incus and steps. Malleus is attached to the tympanum, that is the eardrum. Eardrum jo hai, usko ye malleus attach hai, abhi bataya tha maine yahan pe. This is a eardrum, right? So malleus isse attach hai, uske baad mein incus and steps. Malleus is attached to the tympanum. Steps is the smallest bone of the body. Ye jo steps hai, that is the smallest bone of the body. It is attached to the membrane of oval window. That oval window, here you can see, this is the oval window. Fenestra ovalis. Oval window ko kya bolte hai? Fenestra ovalis of the inner ear. So, teen bone hai, malleus, incus or steps. Eardrum ko attached rehta hai malleus. This is the smallest bone. And the steps is attached with the fenestra ovalis, that is called as oval window. Yahan pe kya honga? Signal receive honge. Now, after this, the inner ear. What it contains? It contains a bony labyrinth and membranous labyrinth. So, what it is? It consists of bony labyrinth and a membranous labyrinth. You can see here the bony portion. And inside it, there is a membranous portion. So, bony portion is called as bony labyrinth and membranous portion is called as membranous labyrinth. So, bony labyrinth is a cavity filled with the perilimb. Limb kya hota hai pata hai aapko? Right, it is a fluid. So, perilimb, it is filled with the perilimb. The membranous labyrinth consists of cochlea and vestibular apparatus. This cochlea is an organ of hearing, you can say. This cochlea is an organ of hearing. And vestibular apparatus, it is an organ of equilibrium. So, ये अभी आपको डिटेल में भी है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस राइट. तो इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है, देखो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, दो टाइप के हैं इनर ईयर में, है ना. और बोनी लेबरिंथ इज अ कैविटी फिल्ड विद द पेरिलिम. अब ये जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, इसमें क्या है, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस है राइट. तो कॉक्लिया से हियरिंग होती है और वेस्टिबुलर एपरेटस से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. तो कैसे होता है हम देखने वाले हैं राइट. सो व्हाट इज अ कॉक्लिया? इट इज कॉइल स्ट्रक्चर हैविंग थ्री कैनल्स. दिस इज अ कॉक्लिया राइट. इट इज अ कॉइल स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कैनल्स, यू कैन सी हियर राइट. अब ये कैनल्स कैसे है, इसमें क्या है वो देखते हैं हम. सो फर्स्ट थ्री जो कैनल्स है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला. सो दिस ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज द स्केला वेस्टिबुला. मिडल वाला स्केला मीडिया एंड ये जो लोअर वाला है दैट इज द स्केला टिम्पैनी. ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है नीट में. दिस पोर्शन वेस्टिबुला मीडिया एंड टिम्पैनी, ऐसा आप बोल सकते हैं. स्केला इज अ कॉमन वर्ड राइट. स्केला मीन्स कहाँ था, ये आयरिस के बाजू वाला जो पोर्शन है ना, सबसे पहले आपने देखा था ना स्केला, दैट इज आयरिस के बाजू वाला जो पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर है ये राइट. सॉरी सॉरी सॉरी, आयरिस नहीं, ये क्या बोलते हो, ईयर जो है, ईयर चल रहा है, मैं एकदम आयरिस में चला गया बात करते हुए. सो स्केला जो है, वेस्टिबुला मीडिया एंड टिम्पेनी, दीज आर द थ्री लेयर्स. अब देखेंगे हम, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉकलिया है इसके लेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं. ये दिख रहा है आपको? यस नो बोलो. ओके, तो सबसे ऊपर वाला जो है स्केला वेस्टिबुला, मिडल वाला स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी. अब क्या स्केला वेस्टिबुले और स्केला मीडिया को सेपरेट करने वाली एक लेयर है इसमें, दैट इज अ रिसनर्स मेम्ब्रेन.
What is this? Resonance membrane and scala media or scala tympani को separate करने वाली basilar's membrane. तो ये basilar membrane है और ये resonance membrane है. Yes, vestibuli and yes, media is separated by resonance membrane. And yes, media and tympani is separated by basilar's membrane. Yes, vestibuli and tympani are filled with perilymph. ये vestibula और tympani, ये दोनों ऊपर नीचे के किससे filled है? Perilymph से. And media is filled with the endolymph. So you have to remember these points. Now you can see here, scala vestibuli, scala tympani, scala tympani. अब देखो, ये जो organ of QWERTY है, this is organ of QWERTY, which is rested on the Resonance membrane, right? Scala media की जो layer है, resting on the Resonance membrane and projecting into the scala media. Is a complex receptor organ called as organ of QWERTY. ये जो organ of QWERTY है ना cochlea में अभी voice कैसे generate हो रहा है ये हम देखने वाले हैं ना. ये जो basilar's membrane है नीचे वाली कौन सी याद है? ये basilar's membrane है ना. किसके बीच में है? Media और tympani के बीच में, scala media और tympani के बीच में. तो ये membrane है. तो ये जो दो लेयर्स के बीच